नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुंबई उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों के दावों को निपटाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह मधुतर अंडमान के दो दिवसीय दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं। एनजीओस एसोसिएशन ने बिजली की कटौती से विद्यार्थियों को हो रही दिक्कतों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। अंतरद्वीपीय जलयान और फेरी सेवाओं में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। समाचारों के संक में फरीन हुसैन के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। मुंबई उच्च न्यायालय ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से बीमा कंपनियों के दावों के निपटान में तीसरे पक्ष के प्रशासकों को भागीदार न बनाने को कहा है। इस तरह के प्रशासक अस्पतालों, बीमा धारकों और बीमा कंपनियों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि IRDA को बीमा कंपनियों से कहना होगा कि वे स्वास्थ्य बीमा अधिनियम 2012 का कड़ाई से पालन करें और दावों को मानने या खारिज करने का फैसला भी कंपनियों को ही करना है, न कि तीसरे पक्ष के प्रशासकों को। अदालत मेडिक्लेम पॉलिसी धारकों की समस्याओं के बारे में दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दावों के निपटान में पारदर्शिता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में मनाएगा।